सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज़ में लगे हों, तो हम उसके माध्यम से कुछ फार्मूलेस को डिवाइड करेंगे ना, जिससे आपको आगे के न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व होने में आसानी मिल सके। ठीक है, तो इसको हम RL सीरीज सर्किट नाम से भी जानते हैं। सो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ये है हमारा रेजिस्टेंस R, और इसकी सीरीज में हमारा लगा हुआ है एक इंडक्टर। इसको हम दोनों को यहाँ पे हम वोल्टेज देने वाले हैं। ठीक, आई करंट फ्लो कर रही है इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। इसमें जो करंट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VR। और ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VL होगा। ठीक, कुछ यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस, L क्या है, इंडक्टर, V क्या है हमारी वोल्टेज, और I क्या है करंट। अब बात कर लेते हैं VR की। VR जो हमारा होगा वो क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक, या VR वहाँ क्या, IR के बराबर भी होता है। ठीक, फिर बात कर लेते हैं VL। VL क्या है हमारा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस या इंडक्टर, है ना। और VL हमारा क्या होगा, ये बराबर होगा हमारे IXL के, वेयर XL क्या होता है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, और ये जो XL होता है ये बराबर होता है हमारे ओमेगा L के, और ये ओमेगा L बराबर होता है हमारे 2πfL के। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम इस केस में हम क्या बनाएंगे, हम इसका एक वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे। उससे पहले हम समझते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट के कुछ वीडियो समझाया था कि जब हमारा सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो तो जो वोल्टेज और करंट होता है वो हमारा सेम एंगल में होता है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, जो करंट और वोल्टेज हमारा सेम एंगल में होता है। ठीक, और जब हमारा इंडक्टेंस हो सर्किट में केवल, तब क्या होता है, हमारा जो हमारी करंट होती है वो वोल्टेज से लैग करती है ना, 90 डिग्री लैग करती है। कन्फ्यूज मत होइएगा इस फिगर में। वोल्टेज देखिए, मुझे मालूम है मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो एंगल बताया था वो इस तरह बताया था, लेकिन आपको याद रखिएगा मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया था और करंट ये तो लैग कर रही थी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो दोनों ही सही हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बस यहाँ पर मैंने इसे बनाया है, इसको करंट है। ठीक, और जो करंट है वोल्टेज से क्या कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है। ओके, अब इसके माध्यम से हम क्या बनाएंगे, वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम, वोल्टेज ट्राई एंगल। कैसे बनेगा देखिए, इस एक्सिस में हमारा क्या है आई, और इसी में क्या है रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस की वजह से हमारा क्या है, ये वोल्टेज वी आर होगा, है ना, ये वी एल वोल्टेज है। ठीक, वी आर। ठीक, अब इसी के साथ इसी के सापेक्ष हम इंडक्टर के इसको ऐड करते हैं, तो क्या है VL। ठीक, इससे क्या है, करंट 90 डिग्री लैग कर रही है। ठीक, अब इसका हम जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या बनेगा, ये इसको हम V मान लेते हैं, और ये एंगल क्या है हमारा, फाई। ठीक, ये हमारा वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब हम इस वोल्टेज ट्रायंगल के माध्यम से कुछ फॉर्मूले उसका डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे
प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस। ठीक है, सबसे पहले इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, जिसको हम जेड से नोट करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक, अब इसके हम वैल्यू पुट करेंगे, वी आर स्क्वायर इक्वल टू आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल की जगह हम आई एक्स एल रखेंगे। ठीक, मैंने बताया अभी आपको यहाँ पे ऊपर है ना, ठीक इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आई स्क्वायर यहाँ पे कॉमन होगा, वो कॉमन हो गया, मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक, अब इस आई को इसके नीचे ले आते हैं हम, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट लेने पर क्या हो जाएगा हमारा, वी अपॉन आई हो जाएगा ये, और इस पर क्या रह जाएगा, अंडर रूट यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जिस इम्पीडेंस की हम यहाँ बात कर रहे थे वो क्या है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, मतलब कि जो हमारा इम्पीडेंस जेड है ना, जो हमारा जेड है वो हमारा बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के, और ये आपको याद रखना है जब आर एल सीरीज सर्किट का केस होता है। ठीक, ये जो आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, यही हमारे बराबर है इम्पीडेंस जेड के। तो हमारा फार्मूला क्या मिल गया, जेड स्क्वायर टू वी वाई आई, एक फार्मूला ही मिल गया, और आपको एक याद रखना है कि जो हमारा जेड होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो न्यूमेरिकल से जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की आपकी, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को क्या कहते हैं, हमें बताया था मैंने आपको, एक्सएल हमारा ओमेगा एल स्क्वायर बराबर होता है, ये क्या हो गया, ओमेगा एल का स्क्वायर हो गया, होल का स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम ओमेगा एल की जगह इसको वैल्यू क्या होती है, टू पाई एफ एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टू पाई एफ एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन जो मेन फार्मूला है आपको याद रखना है, और इस फार्मूले के माध्यम से आप बाकी के फार्मूले तो डिवाइड ड्राइव कर ही लेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम करंट की, इस सर्किट में करंट कितनी होगी, करंट करंट क्या होती है, आई इक्वल टू वी बाई जेड। ठीक है, जैसे कि हमारे डीसी के केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना काम करता है, वैसे ही हमारा यहाँ पे प्रतिबाधा होती है, एसी के केस में हमारी प्रतिबाधा होती है, जिसको हम जेड से कन्वर्ट करते हैं ना, और जो हमारी ये जो प्रतिबाधा जेड होती है इसको भी हम, इसकी जो यूनिट होती है वो भी ओम ही होती है। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम ही होती है। ठीक है, तो देखिए, तो आई इक्वल टू ए सी केस में क्या होता था, आई इक्वल टू वी बाई आर, लेकिन सॉरी डी सी केस में क्या होता था, आई इक्वल टू वी बाई आर, लेकिन ये ए सी है तो आई इक्वल टू वी बाई जेड होगा यहाँ पे। ठीक, अब हम जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू वी बाई जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, एक फार्मूला ये निकला, एक फार्मूला ये आया, और एक फार्मूला ये वाला हो गया। ठीक, तीन फार्मूले हो गए। अब इस सीरीज सर्किट में क्या हम इस पावर फैक्टर की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा है ना, सबको पता है, आप लोगों को पता ही होगा कि पावर फैक्टर जो क्या होता है, हमारे वोल्टेज और करंट, जो हमारा वोल्टेज और जो करंट होता है ना, इनके बीच का कॉस एंगल होता है, इनके बीच का कॉस एंगल होता है, वही हमारा क्या कहता है, पावर फैक्टर कहलाता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू जब आप इस ट्रायंगल के माध्यम से निकालेंगे तो क्या निकलेगी,
उसमें क्या होता है, आपका जो होता है आधार वटीकरण होता है, ठीक है। आधार क्या है आपका, जो बेस है आपका क्या है, वी आर है ना, और ये क्या है, वी है। वैल्यू पुट करेंगे आप, क्या होगा, वी आर बाई वी ना। अब इस वी आर किसके बराबर है, आई आर के, बताया मैंने आपको। और ये वी किसके बराबर है, यहाँ से आप निकालेंगे तो वी इक्वल टू आई जेड निकलेगा, ठीक है। आई जेड के आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पावर फैक्टर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, आर बाई जेड के। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, पावर की बात कर लेते हैं, कुछ जो हमारी पावर होती है, मैंने आपको बताया था ना, एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखना, बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एपरेंट पावर की, एपरेंट पावर जिसको हम क्या बोलते हैं, आभासी पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जिसको किससे यूनिट करते हैं, एस से, बताया था मैंने। एस इक्वल टू क्या होता है आपका, वी आई के बराबर होता है, ठीक। तो एस वी की जगह वैल्यू रख देंगे हम, क्या रखेंगे वी की जगह वैल्यू, बताया था ना वी की जगह वैल्यू क्या रखे थे, आई जेड, आई जेड इंटू आई, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर जेड, ठीक। तो जब R और L सीरीज सर्किट में होंगे, उस केस में अपेंड पावर क्या होगी हमारी, आई स्क्वायर जेड की होती है। उसकी जो आपकी जो इसकी रेटिंग होगी वो क्या होगी, वी ए और के वी ए, ओके। ये इसकी क्या होगी, इकाई होगी इसकी ना, यूनिट होगी इसकी, वी ए और के वी ए, ठीक। अब बचता है आपके, हाँ बात करते हैं रिएक्टिव पावर की। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को यूनिट करते हैं हम क्यू से, क्यू इक्वल टू वी आई साइन थीटा होता है ना, वी आई साइन थीटा होता है। अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको यहाँ पे थीटा बता रहा हूँ और मैंने यहाँ पे फाई एंगल रखा, उससे कोई इशू नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये एंगल जो है आपका बीच का, ये आप थीटा मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा है, फाइव ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। अच्छा साइन थीटा किससे याद आया, ये तो हो गया मैंने पावर फैक्टर, लेकिन कहीं कहीं मेकर में जो साइन थीटा की वैल्यू को पुट करनी पड़ी तो क्या करेंगे आप, देखिए साइन थीटा वैल्यू अब यहाँ निकालेंगे तो क्या होगी हमारी, ये लंबट्टी आपका जो आपका कर्ण है, यानी कि वी एल बाई वी है ना, वी एल बाई वी। वी एल क्या है आपका, आई एक्स एल के बराबर होता है, और वी आई वी क्या होता है, आई जेड के बराबर होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा किसके निकल आएगा आपका, एक्स एल अपॉन जेड के, ठीक है ना। ये सॉरी ये नीचे लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, मेडिकल में आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिव पावर की, क्यू क्यू इक्वल टू क्या हो, वी आई साइन थीटा, क्यू वी की वी और आई और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेंगे, क्या होगी, एक्स एल अपॉन जेड, ठीक। क्या निकलेगा, जो यहाँ से हम इस फिर इस जो एक्सेल निकला हुआ है, वी अपॉन जेड कर लेंगे, ओके, आई इंटू एक्सेल हो जाएगा, अरे आई इंटू एक्सेल, और क्यू इक्वल टू क्या होगा, वी बाई जेड के जगह पर गए आई, और ये आई हो जाएगा आई स्क्वायर एक्सेल। इसकी रेटिंग क्या होती है हमारी, वोल्ट वी ए आर होती है रिएक्टिव पावर की, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है क्या बचा, अपेरेंट हो गया, रिएक्टिव हो गया, हाँ आगे बचा एक्टिव पावर, एक्टिव पावर बचा आपका। एक्टिव पावर क्या होता है, पी पी इक्वल टू क्या होता है, पी वी आई कॉस थीटा, पी वी आई कॉस थीटा वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ से, आर वाई जेड इंटू आर वाई जेड ना, सॉरी ब्रैकेट में कर लीजिए पी। अब इसको हम करते हैं वी बाई जेड इंटू आई इंटू आर, वी बाई जेड क्या होता है, आई के इक्वल टू होता है ना, तो पी इक्वल टू आई और ये आई आर, तो पी इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, ठीक। और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट, ठीक है। तो ये था आपका आर एल सीरीज सर्किट,
जब किसी सर्किट में आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों सीरीज में लगे हों, तब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले इनको मैं टिक कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वी एल इक्वल टू एक्स एल, ये याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल में काम आएगा। फिर एक्सएल हमारा ओमेगा एल के बराबर होता है, ओमेगा एल हमारा टू पाई एफ एल के बराबर होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारी एफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक। फिर इस वोल्टेज ट्राइंगल को याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबाधा जेड का फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेड इक्वल टू वी बाई आई होता है, ये याद रखना पड़ेगा। फिर हमने करंट की वैल्यू क्या निकाली यहाँ से, ये भी आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक। फिर पावर फैक्टर, साइन थीटा की वैल्यू, फिर हमारी जो अपेरेंट पावर, रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, ये आपको के कुछ फॉर्मूले होगा जो मैंने आपको डिराइव करके बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे, उसमें क्या क्या फॉर्मूले होंगे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू।